Let's do question number 22 of exercise 15A, that is volume and surface area of solid. Question number 22 is 3 cubes of metal with A's 3, 4 and 5 respectively are melted to form a single cube. Friends, वो कह रहा है 3 cube है, जिनकी edges दे रखी है, ये 3 क्यूब्स बना रही हूं मैं, इसकी एज है 3 सेंटीमीटर, इसकी एज है 4 सेंटीमीटर और इसकी एज है 5 सेंटीमीटर। इन तीनों को मेल्ट किया गया किस लिए? एक सिंगल क्यूब बनाने के लिए। राइट फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है वो, are melted to form a single cube. Find the lateral surface area of the new cube formed. तो हमें इसका lateral surface area निकालना है. Lateral surface area में tops और bottom include नहीं होता है. तो कैसे करेंगे friends? अब हम इसको melt करना है. मतलब ये पूरा अंदर से cube है. तो इसके अंदर का volume निकालना पड़ेगा. तो volume of ये first cube है, ये सेकेंड क्यूब है और ये थर्ड क्यूब है. राइट फ्रेंड्स, फर्स्ट क्यूब, हर एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, दैट मींस 3 का क्यूब. और वी कैन से दैट 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27 सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब, राइट फ्रेंड्स, फिर से ए क्यूब, 4 का होल क्यूब, दैट मींस 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये आ गया 4 4 इज 16, 64 सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम हमें निकालना है थर्ड क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब, तो ये कितना आ गया ए क्यूब, 5 का होल क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तीनों 125 आ गया सेंटीमीटर. अब ये तीनों वॉल्यूम आ गए, इन तीनों वॉल्यूम्स को मेल्ट करके एक बनाया, तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब क्या होना चाहिए? सिंगल क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम, इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? इस तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा सिंगल वॉल्यूम आ जाएगा. राइट फ्रेंड्स, तो ये कितना आया, 11, 16, कैरी 1, 3, 6, 9, 10, 11, कैरी 1, 2, 1, 6 सेंटीमीटर क्यूब आ गया. अब हमें इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है. तो हम वॉल्यूम से क्या निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a² अब हमें नए क्यूब का, इस क्यूब का a चाहिए, एज चाहिए, एज नहीं पता, वॉल्यूम पता है. तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? एज निकाल लेंगे. तो देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, और ये दे रखा है हमारा, ये आया 216 ए क्यूब. तो ए की क्या वैल्यू हो गई? क्यूब रूट ऑफ, यहाँ 3 है क्योंकि 216, तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे 216 के. तो ये हमें पता है 6 का क्यूब होता है फ्रेंड्स, ये हम लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 3 का पेयर बनाया और एक बार बाहर लिख दिया 6 सेंटीमीटर. राइट, अब हमें a पता चल गया. अब हम ls से निकाल लेंगे 4a², दैट मींस 4 इंटू 6 का होल स्क्वायर, दैट मींस 4 इंटू 6 इंटू 6, तो ये कितना आ गया, 36 इंटू 4, 4 6 are 24, 12, 13, 14. तो ये कितना आ गया, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.